बाढ़ की चपेट में है तो बचा हुआ हिस्सा सुखाड़ की चपेट में। आज प्रश्नकाल के बाद संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने इस बात को उठाया कि जो बाढ़ की समस्या बिहार के अंदर है उसके लिए क्या सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसके लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था हमारे कई सदस्यों के द्वारा, लेकिन कार्यस्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया गया जबकि कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य आज नहीं थे। इतने बड़े मुद्दे को अनदेखी की गई और उसके साथ साथ उसके बाद जब बातें उठी, जब बात कहने के लिए हम लोग उठे, हमारे नेतागण उठे, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह सवाल उठता है कि 17 मिनट के वक्तव्य में उन्होंने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है। पारंपरिक रूप से केंद्र सरकार को बिहार की सहायता के लिए आगे आना चाहिए था और यहाँ पर जो राहत कार्य में परेशानी हो रही है, राहत कार्य मुहैया नहीं किया जा पा रहा है और जो बेघर हो गए हैं लोग, इतने लोगों की जान गई है, इन तमाम चीज़ों में जो खर्च हो रहे हैं उसका आकलन होना चाहिए था, परेशानी का आकलन समय से पहले होना चाहिए और उनको राहत मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार केंद्र सरकार ने उपेक्षापूर्ण नीति का वो दिखलाते हुए बिहार को उपेक्षित करने की जो अपनी मानसिकता है उसको इस बाढ़ के समय दिखाने की कोशिश कर रही है और बिहार में अभी तक कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा, या खुद केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था। यदि बिहार सरकार ने नहीं भी भेजा, मांग पत्र नहीं भेजा, फिर भी केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था यहाँ की स्थिति को। और अभी तक देश में सबसे अधिक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बिहार में है, आसाम से भी ज्यादा, और ऐसी स्थिति में बिहार को केंद्र की सहायता नहीं मिल रही है। इसी के विरोध में संपूर्ण विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आसाम को दिया गया है और बिहार को नहीं दिया गया, यह भेदभावपूर्ण नीति भी है। इसलिए हम संपूर्ण विपक्ष के लोग इन बातों का विरोध करते हुए हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, उसके बाद हाउस को एडजर्न कर दिया।